हेलो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना किसी देर के साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, मैंने अपना अकाउंट कल ही बनाया है तो आज एक्टिव हो गया और मुझे आईडी पासवर्ड रिसीव हो गए हैं। और जैसे ही मैंने लॉगिन किया है तो मुझे इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे, आपको अपना ऊपर आईडी दिख जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर रेफर और अर्न का भी ऑप्शन स्टार्ट हो गया है मेरे। तो आप देख सकते हैं रेफर और अर्न करने का यहाँ से सबसे अच्छा प्रोसेस है। यहाँ पर आपको एक रेफर के 500 कॉइन मिलते हैं गाइस, 500 कॉइन, जिसे आप अपने बैंक में विड्रॉल कर सकते हैं बिना किसी चार्ज के साथ। और साथ ही साथ अगर आपका रेफर ट्रेडिंग करता है इस ऐप पर तो आपको उसका मंथली ब्रोकरेज भी मिलता है। तो इस ऐप का सबसे अच्छा फीचर यह है कि गाइस यहाँ पर 24/7 डेज यहाँ के कस्टमर सर्विस अवेलेबल रहता है। आप इनको कोई भी समस्या हो तो कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, साथ ही साथ इनको ईमेल भी कर सकते हैं। ये आपको इंस्टेंटली रिप्लाई देंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो अकाउंट कैसे ओपन करना है, तो गाइस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आप जैसे ही वहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा आपके सामने। आप देख सकते हैं ऊपर आपको आपका रेफरल का नाम शो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपना नेम एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करना है और मोबाइल नंबर और एक सिटी एंटर करना है और टर्म्स और कंडीशन पे ओके करके सबमिट कर देना है। तो जैसे आप सबमिट करेंगे नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट पेज में आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना मोबाइल नंबर का वेरीफाई करना है। तो आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, ओटीपी को एंटर कीजिए, आप मोबाइल वेरीफाई कर जाएंगे। और साथ ही साथ इसके नेक्स्ट स्टेप में आपको ईमेल वेरीफिकेशन करना है, ईमेल का ओटीपी एंटर कीजिए और अगले स्टेप में पहुंच जाएंगे। इस स्टेप में आपको कुछ नहीं करना है, आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो गाइस इसके बाद इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ पर आपको एंटर पैन नंबर का बोलेगा। तो आपको अपना पैन नंबर एंटर कर देना है और साथ ही साथ कैलेंडर से अपनी बर्थ डेट भी एंटर कर देनी है और नेक्स्ट पेज पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। तो गाइस नेक्स्ट में आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ पर आपको इस तरह का नोटिफिकेशन दिखाई देगा। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आपको कुछ भी नहीं करना है, वहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन में भी कुछ भी नहीं करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है, करते जाना है और आई एग्री पर क्लिक कर देना है। तो आई एग्री पर आप जैसे ही क्लिक कर देंगे गाइस तो आपको आगे का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आप चाहे तो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर देना है और आगे प्रेस कर। इस सिस्टम में आपको अपना अकाउंट नंबर, री एंटर अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, आपको अपनी पासबुक पे एक MICR नंबर दिखाई देगा, वो एंटर करना है। आपको बैंक का नाम एंटर करना है। अगर आपको यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो आप कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हैं और इंस्टेंट आपको सॉल्व कर देंगे प्रॉब्लम को। इस सिस्टम में आपको अपनी डिटेल डालनी है और यहाँ पर ऐप ऊपर कैप्चर पर क्लिक करके आपको एक सेल्फी लेनी है और यहाँ से क्रॉप करके आपको अपलोड कर देना है और आगे प्रेस कर देना है। आगे प्रेस करने पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। आप सिग्नेचर ऑनलाइन कर सकते हैं या अपलोड भी कर सकते हैं। इस स्टेप में आपको डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। अगर आप डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करोगे तो ही आगे का स्टेप आप फिल कर पाओगे। तो आपको यह फॉर्म डाउनलोड कर देना है और अपनी डिटेल्स एंटर कर देनी है, आगे प्रोसेस कर देना है। तो आप जैसे ही प्रोसेस कर देगा आपके ई साइन NSDL की तरफ से एक ई साइन का ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको आधार का वेरीफिकेशन करना है, आपको सिंपली टर्म्स एंड कंडीशन पर ओके करना है, आधार नंबर एंटर करना है और अपने OTP को यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। जैसे ही वेरीफाई करेंगे आप OTP वेरीफाई करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि फॉर्म सबमिटेड हो गया है। तो ये गाइस मैंने फॉर्म सबमिटेड किया था कल, जो मुझे आज सुबह ही मेरा फॉर्म एक्टिवेट हो गया था और मुझे आईडी और पासवर्ड दोनों अपने ईमेल पर रिसीव हो गया। तो आपको भी जल्द से जल्द रिसीव हो जाएगा उसके अगले दिन, जिससे आप रेफर भी कर सकते हैं। किसी भी तरह की समस्या होने पर आपको यहाँ आस्क माय ऐप पर जाके आप कॉल कर सकते हैं, यहाँ पर उनके व्हाट्सअप नंबर से आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस जैसे ही मैं इस एप्लीकेशन से कुछ अर्निंग करूँगा और अपने अमाउंट रिसीव हो जाएगा उसका मैं वीडियो एक यूट्यूब पर क्रिएट कर दूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वो वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक कर देना गाइस।